चाचा किधर है? चाचा के बिना मैं अंदर नहीं जाने वाला, पता है ना तुझे? वो देख सामने तेरे चाचा। ज्यादा सोच मत, अब या तो करने का है या फिर मरने का, समझे? चलो चल। ये देखिए सर, कल मिस्टर गिल ने एसी ठीक करवाया था और आज फिर से भैया बस। मिसेस गाड़ी वाला, आप तो ऐसा कह रही जिसे मेरा कसूर हो, जबकि बैंक में सभी जानते हैं कि आप बस फिर से लड़ना शुरू हो गए आप दोनों। अब बुलाओ फिर से एसी वाले को यहां। सुबह सुबह नई मुसीबत, आज का दिन ही मनोज। कौन है रे मैनेजर? मैं हूं मैनेजर, मैं हूं। नहीं, तिजोरी किधर है? बोलना किधर है, कहाँ है तिजोरी? तिजोरी अंदर है। तो टेंशन मत ले, बिल्कुल कर रहा हूं, एकदम शांत है। चाचा जल्दी करो। मिस्टर केडी, हेलो, मेरा नाम सनी है। हाँ बोलिए सनी। क्या आप वाकई में इस कंट्री के बेस्ट लॉयर हैं? ये मुझ पर लगा ये इल्जाम अब तक साबित नहीं हुआ। मुझे एक्चुअली आपसे एक सवाल पूछना था। क्या अगर मेरे एक दोस्त को एक चीज मिली है, वो चीज रख लेने से उसको पुलिस से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? उनका ये फैसला कि उस चीज को रखे या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि उनको जो मिली है वो चीज क्या है। ठीक है, मैं अपने दोस्त को पूछकर बताता हूँ कि उसे क्या मिला है। आपकी फीस? किस बात की फीस? मैंने तो तुम्हें कुछ बताया नहीं। थैंक यू मिस्टर केडी। आपके नोट गिर गए। ये ले तेरा ब्यूटीफुल नेकलेस, पसंद आया डार्लिंग? मस्त है, लेकिन कहीं ये तेरे दो नंबर के धंधे का पैसा तो नहीं? अरे नहीं रे कजरी, वो सब तो कब के छोड़ चुका हूँ, तेरे सर की कसम। देखना जा। चलते जा, तेरे को पुलिस स्टेशन बुलाया है। काय को? अब मैं क्या किया साहब? अरे कल सुबह भांडू बैंक में चोरी हो गई, तो किधर था कल? मैं? अरे मैं तो अखाद ही नहीं धरता साहब, अपने गर्लफ्रेंड के साथ। क्या साहब, आप भी शहर में कोई भी लफड़ा होता आप मेरे को उठा लेते हैं। साहब अब मैं वो आदमी नहीं रहा, सुधर गेला हूं। मेरे को शादी मनाने का है इसके साथ। ये राग पट्टी चौकी में देना, मगर हाजिरी के लिए जल्दी आना। ठीक है साहब, आता मैं। तू कल मेरे साथ था? झूठे बोल, कहा था? अरे छोड़ ना कजरी, तेरे को क्या, तू आम खाना, पेड़ काय को गिनती है? तूने चोरी किया, मुझे पता था तू कभी नहीं सुधरेगा। मैं पुलिस को जाके बता दूंगी कि कल तू मेरे साथ नहीं था और तूने ही वो चोरी। अच्छा, अगर मुंह खोला ना तो तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूं। तूने मेरी आशिक गिरी देखी है, भाई गिरी नहीं, काट के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तेरे। और ये पहनाने के लिए बहुत सारी गले हैं मेरे पास, समझ गई?
हाँ बंसी क्या? चल ठीक है मैं आता हूँ। तूने मेरे सर की झूठी कसम खाई है, तेरा बुरा होगा, बहुत बुरा होगा तेजा। अरे सुन सुन, इधर आ। ये शर्ट के अंदर क्या छुपा कर रखा है? कुछ नहीं दादू। कुछ नहीं क्या? अपने दादू से झूठ बोलेगा? निकाल। नहीं कुछ नहीं दादू। अरे मैं कहता हूँ निकाल ना, दिखा मुझे, दिखा। हाँ घड़ी, ₹10,000 की घड़ी। अरे इतने पैसे आए कहाँ से तेरे पास? वो दादू हमारे घर के पीछे जो पुराना खंडहर है ना, जहाँ पे तेजा भाई का अड्डा है, वहाँ पे मुझे 2 पैसों से भरे बैग्स मिले। ये इतना सारा पैसा? देख बेटा, तूने ये पैसा उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तू किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तू एक काम कर, ये सारा पैसा ले जाके ना कहीं। लेकिन ये घड़ी मैं नहीं दूंगा। अरे लेकिन तू क्यों क्यों नहीं दूं? तू समझ रहा है, ये घड़ी बड़े लोगों की, रईस लोगों की, और मैं तो आपके लिए है दादू। कल आपका जन्मदिन है ना? मेरे प्यारे दादू के लिए सन्नी की तरफ से। अगर ये घड़ी मैं लौटाऊंगा ना, तो मैं ये बात जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। रख लीजिए दादू। ठीक है बेटा, मैं ये घड़ी रख लेता हूँ, हाँ? लेकिन इसके पैसे मैं अपने पास से तुझे दूंगा। ठीक है? आप नहीं, मैं दूंगा, अपनी पहली कमाई से। पुलिस पकड़ लो इसे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। चल घड़ी निकाल। जी ये लीजिए साहब। ओ तो चोरी का पैसा भी यहीं पर है। पहले बैंक में चोरी और फिर अपने साथी तेजा का मर्डर। लेकिन वो कहावत सही है, बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना नहीं भूलता। लेकिन लेकिन साहब तेजा। ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब चलिए। साहब मेरे दादू ने कुछ नहीं किया। चल चल। साहब मेरे दादू ने कुछ नहीं किया। सुनिए बात बात सुनिए साहब। बेटे साहब मेरे दादू ने कुछ नहीं किया। दादू साहब मेरे दादू ने कुछ नहीं किया। वो पैसों से भरे बैग्स मुझे मिले थे, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें मत ले जाइए। दादू 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 मेरे दादू ने कुछ नहीं किया था। वो पैसों से भरे बैग्स मुझे मिले थे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ले गए मेरे दादाजी को। केडी सर उन्हें बचा लीजिए प्लीज। प्लीज मेरे दादू को बचा लीजिए केडी सर प्लीज। हाँ हाँ पक्की बात, 3 आदमी थे, सलमान शाहरुख और आमिर। असली वाले नहीं, नकाब पहने हुए। और जो शाहरुख था ना, वो यही आदमी था। लेकिन इनकी सूरत देखे बिना आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती? क्योंकि जल्दी में एक आदमी ने इसे चाचा बुलाया था। चाचा जल्दी करो। जिस सर से वो चलता था ना, पैर घसीट के ऐसे ही रहा था। पक्की बात ये वही आदमी है। थैंक यू जेस साहब। मैं मिसेस गाड़ी वाला की बातों से कभी सहमत नहीं होता था, पर आज सहमत हूं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं जेस साहब, झूठ बोल रहे हैं। यही आदमी था जेस साहब, क्योंकि जब ये लॉकर खोल रहा था तो उसके हाथ में यही टैटू था।
मिस्टर गिल, एक बात बताइए, क्या उस समय भी आपके ऐनक इसी तरह आपके गले में लटके हुए थे? मुझे याद नहीं, पर ये तो मेरी आदत है, मैं इसे ऐसे ही लटकाए रखता हूँ। मैं तो इस चश्मे के बगैर भी अच्छी तरह से देख सकता हूँ। अच्छा, पढ़िए जरा। कोर्ट में आते समय अपना मोबाइल फोन ऑफ रखें। जी, वो यही थे या कोई और? ये पर्सनली तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो बेहोश कर दिया गया था। हाँ, लेकिन मेरे स्टाफ यानी कि मेरे असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर गिल और चीफ अकाउंटेंट मिसेस गाड़ीवाला का ये कहना है कि तिजोरी इन्हीं ने तोड़ी है, तो फिर यही होंगी। वो मैं नहीं था, इन्हें गलतफहमी हुई है। मिस्टर काले, क्या ये इस दुनिया के इकलौते शख्स हैं जिन्हें लोग चाचा कहते हैं और जो लंगड़ा के चलते हैं, जिनके हाथ में टैटू है? इस उलिये का कोई और भी व्यक्ति हो सकता था या नहीं? जी, हो सकता है, लेकिन इसका जवाब मुझे देने दीजिए मिस्टर काले। Your Honor, मैं मिसेस गाड़ीवाला को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहूंगी। मिसेस गाड़ीवाला, बैंक की तिजोरी के पास मिला ये टॉर्च किसका है? उसका, जिससे तिजोरी तोड़ी थी, भागते समय भूल गया था। मिस्टर यशवंत लोहार उर्फ चाचू, क्या आप इस टॉर्च को पहचानते हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, ऐसा ही एक टॉर्च मेरे पास भी है। ऐसा ही नहीं, ये आप ही का टॉर्च है जिस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। एक मिनट प्रोसिक्यूटर साहब, मिसेस गाड़ीवाला, आपने कहा था अपने बयान में कि तीनों चोरों ने दस्ताने पहने हुए, राइट? जी। तो फिर प्रोसिक्यूटर साहब, आप इनकी उंगलियों के निशान टॉर्च पर कैसे आ सकते हैं? A1 लॉक रिपेयर शॉप से केडी। Your Honor, ये मिस्टर शर्मा की दुकान है जहां से इन्होंने ये टॉर्च लिया था। और इतना ही नहीं, एक और औजार है जिस पर इनके उंगलियों के निशान है, और वो वही दुकान से है, और वो औजार है ये भारी पाना। लेकिन इसे मिस्टर लोहार ने चोरी के लिए नहीं, बल्कि मरहूम तेजस सिंह का कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया था। ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ, ये औजार मेरे हैं, लेकिन ना तो मैंने कोई चोरी की है और ना ही किसी को मारा है। मैं तो साहब पिछले 10 सालों से ईमानदारी की रोटी खा रहा हूँ, तिजोरी और तालों का काम करता हूँ। यानी कि तिजोरी तोड़ना और खोलना आपको अच्छी तरह से आता होगा, है ना? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोलिए चाचा जी, आप चुप क्यों हैं? अच्छा ये बताइए, 15 साल पहले आप क्या करते थे? क्या हुआ? अगर आपको शर्म आती है तो फिर मैं ही बताए देती हूँ। Your Honor, आज से 15 साल पहले मिस्टर लोहार आर्थर रोड के जेल में थे। 4 साल की कैद हुई थी इन्हें एक साहूकार की तिजोरी तोड़ने के जुर्म में। चोरों के उस्ताद थे हमारे लोहार साहब, इसलिए तो बैंक की तिजोरी भी इन्होंने एक ही मिनट में तोड़ी थी, है ना? देखिए, वो मेरा अतीत था और उसकी मैं सजा काट चुका हूं। मिस्टर लोहार, शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। Your Honor, भगवान का शुक्र है कि प्रोसिक्यूटर साहिबा संत वाल्मीकि के जमाने में नहीं थी, वरना उनके अतीत के लिए उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती। ऑर्डर, ऑर्डर। वेरी फनी, अतीत को छोड़कर हम वर्तमान में आते हैं।
क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? हाँ, ये बेजा है, हमारे मोहल्ले में ही पीछे की तरफ रहता है। एक जमाने में ये आपके शागिर्द थे ना, आप लोग साथ में चोरियां करते थे। हाँ, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। मेरा तेजा से कुछ लेना देना नहीं था, कुछ भी नहीं। कोई लेना देना नहीं था तो फिर बैंक रॉबरी से 3 दिन पहले वो आपकी खोली में क्यों आया था? देखिए, इस बात के गवाह आपके पड़ोसी है, इसलिए सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, हाँ या ना। देखो, मैंने सारे बुरे काम कब के छोड़ दिए, मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अरे चाचा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, आप घबराइए बिल्कुल मत। सारा मामला एकदम फिट है, बस आप केवल अपने शुभ हाथों से वो तिजोरी एक बार खोल दीजिए, बाकी मैं संभाल लेगा। चाचा जरा सोचो, एक साथ लाखों मिलेंगी, लाखों, और चाचा आपके पोते का फ्यूचर बन जाएगा, वरना वो बेचारा भी आपकी तरह अक्खी लाइफ यहाँ ये ताले की मरम्मत कर रहा होता। मेरा पोता जो भी करेगा, ईमानदारी की रोटी कमाएगा। मेरा जवाब ना है। तो आपने चोरी में शामिल होने से इनकार कर दिया? जी। तो फिर चोरी के पैसे आपके घर में कैसे आए? वो पैसे मेरे पोते को उस खंडर में मिले थे, मुझे अंदाजा हो गया था कि वो तेजा के चुराए हुए पैसे हैं। वो पैसे मैं पुलिस के हवाले करने ही वाला था। अच्छा, अगर आपकी यही नीयत थी तो फिर आपने उन पैसों में से घड़ी क्यों खरीदी? वो घड़ी मेरा पोता बड़े प्यार से मेरे लिए तोहफे में लाया था, और मैं खुद उसके पैसे उनको। मिस्टर लोहार, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर एक 10,000 की घड़ी के लिए आपके मन में लालच आ सकता है, तो लाखों रुपए के लिए लालच क्या, कत्ल की भावना भी आ सकती है। नहीं मिस्टर लोहार, आपने तेजा और उसके तीसरे साथी के साथ मिलकर बैंक लूटा, और फिर लालच में आकर पूरा हिस्सा पाने के लिए तेजा का कत्ल कर दिया। रॉबरी फॉलोड बाय मर्डर, सिंपल। नहीं, मेरे दादू ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, उन्हें छोड़ दीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए। मेरे दादू ने कुछ नहीं किया, मुझे ही वो पैसों से भरे बैग्स उस खंडर में मिले थे, और मैंने ही उन कुछ पैसों में से घड़ी खरीदी थी, और वो घड़ी मैंने ही दादू को गिफ्ट की थी। मेरे दादू बेकसूर है, उन्हें छोड़ दीजिए। योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है। अपने दादा को बचाने के लिए कोई भी पोता यही करेगा। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने अब तक दुर्भाग्यवश एक भी ऐसा गवाह नहीं पेश किया जिसने मेरे मुवक्किल को चोरी करते हुए देखा हो। सारे गवाह महज अनुमान लगा रहे हैं। एक गवाह है केडी, जिसने ना ही सिर्फ मिस्टर लोहार को चोरी करते हुए देखा है, बल्कि चोरी में उसका साथ भी दिया है, उस त्रिकोण टोली का तीसरा साथी, वो जिस मोटरसाइकिल पर भागा था। पुलिस ने उस मोटरसाइकिल को ट्रेस कर लिया है और उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। योर ऑनर, मैं बंसी यादव को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। बंसी, बोलो बंसी। जी जज साहब, तेजा ने मुझे उस चोरी में शामिल किया था। तेजा और तुम्हारा एक और साथी है जिसने तिजोरी खोली थी, क्या वो इस अदालत में मौजूद है? जी हाँ, जी हाँ, वो जो सामने खड़े हैं, सामने खड़े मेरे चाचा। Order, order. अब तो चोर ही चोर को पहचान गया है,
प्रोसिक्यूटर साहब, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं बंसी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। बंसी, पूरा यकीन है तुम्हें कि वो तीसरा चोर ये ही है तुम्हारे चाचा? जी सर, ये सारा प्लान तेजा का था और उसने मुझे चोरी के एक दिन पहले शामिल किया था। प्लान तो ठीक है तेजा, लेकिन इसमें खतरा बहुत है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने स्टाइल की दकियानुसी तिजोरी है। अगर ये नहीं खुली तो हमारी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तिजोरी खुलेगी बंसी, और जरूर खुलेगी, क्योंकि इसे खोलने वाला कोई और नहीं, मेरा बहुत पुराना उस्ताद होगा, तेरा सगा चाचा। चाचा इस काम को करने के लिए राजी हो गया? हाँ, अब बोल क्या करना है। एक चाचा ही तो है जो अपनी किस्मत के ताले को खोल सकता है। तो बंसी, तेजा ने महज तुमसे कहा था कि तुम्हारे चाचा शामिल होने वाले हैं उस चोरी में, तुम्हारे चाचा ने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं सर, क्योंकि तेजा और मैं एक साथ बाइक पर आए थे, जबकि चाचा वहां पर पहले से ही मास्क पहने हुए खड़े थे। अच्छा, तो चोरी के बाद क्या उन्होंने अपना मुखौटा उतारा? क्या आपने उनका चेहरा देखा? नहीं साहब, क्योंकि चोरी से पहले तेजा ने हमसे कहा था चोरी के बाद हम सब अलग अलग जगह पर जाकर छिप जाएं, और सारा पैसा तेजा के पास था। तो चोरी के पहले आपने अपने चाचा का चेहरा नहीं देखा, चोरी के दौरान भी नहीं, और चोरी के बाद भी नहीं, तो किस यकीन के साथ आप कह रहे हैं कि वो आपके चाचा ही थे? क्योंकि साहब ये काम, तो फिर और कौन हो सकता है? बंसी, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता। बहरहाल, कत्ल की रात को तेजा अपनी माशुका के घर कजरी के घर थे, और इनके बयान में ये लिखा है कि आपने तेजा को फोन किया और फोन करके उन्हें वहां खंडहर पे बुलाया, क्या ये सच? जी हाँ साहब, मैंने फोन किया था, क्योंकि जब मैं पुराने खंडर में पहुंचा तो वहां पर सारा पैसा गायब था, और मेरा शक सीधा तेजा पर गया। और यही कारण था कि आपने तेजा को खंडहर बुलाया और वहां उसकी हत्या की? नहीं साहब, मैं खंडहर पहुंच ही नहीं पाया था, रास्ते में ही मेरी बाइक का एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था, और गाड़ी का ड्राइवर मुझे घसीट कर पुलिस स्टेशन ले गया कंप्लेंट लिखवाने के लिए। और ये रही दादर पुलिस स्टेशन में लिखवाई पुलिस कंप्लेंट, जिससे ये साबित होता है कि कत्ल के वक्त बंसी खंडर में नहीं था, सिर्फ दो साथी थे, एक तेजा और दूसरे यशवंत लोहार उर्फ चाचा। एब्सोल्युटली नॉट योर ऑनर, वो शख्स मिस्टर लोहार नहीं, कोई और थे। मिस्टर केडी पाठक, वो कोई और नहीं बल्कि यशवंत लोहार ही है। योर ऑनर, एक यशवंत लोहार का टॉर्च बैंक में मिला, दो यशवंत लोहार के औजार से तेजा की मौत हुई, तीन चोरी के सारे पैसे यशवंत लोहार के घर से बरामद हुए, चार बैंक के तीन में से दो मुलाजिमों ने यशवंत लोहार की पहचान की, और पांच खुद चाचा का सगा भतीजा ये कह रहा है कि वो यही है। Your Honor, अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कातिल यशवंत लोहार उर्फ चाचा ही है। मैंने तो सारे गलत काम कब के छोड़ दिए, मैंने अपनी जिंदगी बदल डाली। जैसा मैं अपने उस पोते की कसम खाकर कहता हूं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया जैसा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो, मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हुआ, मेरे पैसे नहीं पहुंचे अब तक? अबे इतनी देर क्यों? कान खोल के मेरी बात सुन,
अगर आज रात तक मेरे पैसे मेरे पास नहीं पहुंचे ना, तो कल सुबह पुलिस स्टेशन में जाकर सारी खबर सच सच कह दूंगा कि तेजा का असली कातिल दूसरा या तीसरा नहीं बल्कि कोई चौथा चोर है, और वो हो तुम। किड़ी, ये वही तिजोरी है जिसमें से पैसे चोरी हुए थे। ये आपका एसी इतना आवाज करता है? मिसेस गाड़ी वाला, अभी तक आपने एसी ठीक नहीं करवाया? एक्सक्यूज मी सर, मैं यहाँ पर चीफ अकाउंटेंट हूँ, मैकेनिक नहीं। और दिन भर आप भी तो बैठे रहते हैं, आपने ठीक करवा लिया होता। एक ही मिसेस गाड़ी वाला, अगर मैं सबके सामने आपकी पोल खोल दूं तो बस। विल यू प्लीज कीप क्वाइट, बोथ ऑफ यू प्लीज। एनीवे किड़ी, मुझे तो हैरत है उस चाचा के हुनर पर। ऐसी तिजोरी इतनी जल्दी खोलना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, क्यों, क्या खास बात है इसमें? खास है केडी साहब, लॉकवेल कंपनी की तिजोरी है ये, थेफ्ट प्रूफ, यानी कि चोर प्रूफ। 10 वर्षों की गारंटी है इसकी। लगता है उस बुड्ढे के हाथ में जादू होगा। वरुण, जब तक हमें वो तीसरा चोर नहीं मिल जाता, हम चाचा को नहीं बचा सकते। वैसे आज अदालत में तेजा की गर्लफ्रेंड आई थी खजरी, वो तो उसके सारे दोस्तों को जानती होगी। एक काम कर, एक पता लिख। आपको मुझसे पूछताछ करके कुछ नहीं मिलेगा। उस तेजा का कत्ल उस चाचा ने ही किया है। देखो, वो चाचा नहीं, उसके हुले का दूसरा आदमी था। वैसे तुम किसी आदमी को जानती हो जो तेजा का दोस्त था और तिजोरी खोलने में माहिर है? नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। कजरी, सरकारी बैंक में तिजोरी तुमने लूटी थी, हाँ बोल। और तेजा का खून तुमने किया था तो तुम्हें किसने मारा था? चौथा चोर कहाँ है? चौथा चोर ये थियरी कहां से आई केडी? योर ऑनर, क्योंकि मरने वाले ने महज एक गाड़ी की तरफ इशारा किया तो खूनी मिसेस गाड़ी वाला हो गई। मैंने कसम से मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मुझे तो मर्डर करना आता ही नहीं है। काम डाउन मिसेस गाड़ी वाला। योर ऑनर, चलिए कुछ समय के लिए चौथे चोर के होने की शक्यता को अटकाते हैं। मरते हुए नत्था के बयान का क्या? मरते मरते नत्थालाल ने साफ कहा योर ऑनर कि तेजा की टोली का तीसरा चोर वही था, तिजोरी उसी ने तोड़ी थी। इससे जाहिर है योर कि मेरे मुवक्किल मिस्टर लोहार बेगुनाह है। और इसकी गवाही को सुना किसने? मेरे सहायक वरुण ने योर ऑनर।
मैं चाहूंगा कि उसे कटघरे में बुलाकर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस केस के इतने अहम मुद्दे पर डिफेंस लॉयर की टीम गवाह नहीं बन सकती। सस्टेन्ड। केटी, तुम्हारे पास मिस्टर वरुण के अलावा अगर कोई और गवाह है तो उसे पेश करो। दुर्भाग्यवश और कोई गवाह नहीं है योर ऑनर, लेकिन ये साबित करने के लिए कि नत्था लाल ही वो तीसरा चोर था, मैं अदालत में यह साबित करूंगा कि वो चौथा चोर कौन है जो इस चोरी में शामिल ना होते हुए भी शामिल था, जिसने पहले तेजा का कत्ल किया, चाचा को फंसाया और अंत में जाके नत्था लाल को भी मारा। योर ऑनर, मैं मिस कजरी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ, मैं नत्था काका को जानती हूँ, वो मेरे पिता समान थे। तो ये बताइए मिस कजरी, के जब मेरे सहायक वरुण ने उनका पीछा किया, आपने वरुण को रोकने की कोशिश की? क्योंकि मुझे शक हो गया था कि वो तेजा के तीसरे पार्टनर है। मैं उन्हें बचाना चाहती थी, उनके कई उपकार थे मुझ पे। कहीं ऐसा तो नहीं मिस कजरी के आप ही ने नत्था को भेज कर तेजा को मरवाया? नहीं, मेरा तेजा और उस बैंक रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा, भगवान कसम। बैठिए। योर ऑनर, तेजा को किसने मारा ये बात अब तक एक रहस्य है, लेकिन नत्था को किसने मारा ये बात नहीं, क्योंकि नत्था को जिस गाड़ी ने कुचला, मेरे वरुण सहायक के अलावा चार और लोगों ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था, MHO2KA99, और RTO से पता लगा है कि ये गाड़ी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर गिल है। केडी साहब, मेरी गाड़ी तो दो दिनों से गैरेज में पड़ी हुई है। I don't know, किसने गैरेज से गाड़ी चुराई और उस आदमी का किसने मर्डर किया? Really, I don't know, केडी साहब। लगता है कि मुझे फंसाने के लिए कोई आपको कोई फंसा रहा है या आपने चाचा को फंसाया। आप ही हैं वो चौथे गुप्त चोर, आप ही हैं तेजा के अभियुक्त। नहीं नहीं केडी साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। केडी, तुम बैंक के मुलाजिमों पर शक कर रहे हो? जी। जबकि वो लोग खुद बैंक रॉबरी के शिकार बने हुए थे, उनकी आंखों के सामने तिजोरी तोड़ी गई थी। मिस्टर गिल, वो तिजोरी तोड़ा गया था या खोला गया था? मतलब ये योर ऑनर कि प्रोसिक्यूशन ने दलील रखी थी कि मेरे मुवक्किल मिस्टर लोहार ने बैंक के लॉकवेल नामक तिजोरी को एक मिनट से भी कम समय में तोड़ा। मैं अदालत में ये साबित करने जा रहा हूं कि यह असंभव है, लॉकवेल तिजोरियों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। लॉकवेल सेफ कंपनी के चीफ इंजीनियर मिस्टर दीपक हिंगोरानी को मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। जस्ट साहब, लॉकवेल एक रिपोर्टेड इंटरनेशनल ब्रांड की कंपनी है, इनकी तिजोरियां जर्मनी में बनती हैं और यहां असेंबल होती हैं। एक मामूली सा चोर स्टेथोस्कोप के सहारे इन्हें नहीं खोल सकता। मिस्टर हिंगोरानी, ये क्राइम ब्रांच फाइल्स है जिसमें पिछले दो सालों से मुंबई में हुई डकैतियों की लिस्ट है, जिसमें 11 तिजोरियां तोड़ी गई है, जिनमें से 3 आपकी कंपनी की है। अभी भी आप यही कहेंगे कि आपकी तिजोरी थेफ्ट प्रूफ है? मिस्टर हिंगोरानी प्लीज, जानकारी तो खूब रखती हैं आप, लेकिन दुख की बात है कि आपकी जानकारी अधूरी है। जिन तिजोरियों का जिक्र आपने किया, देखिए उन तिजोरियों को तोड़ने में 2 मिनट से भी ज्यादा समय लगा, जबकि अधिकारी बैंक का तिजोरी 1 मिनट से कम समय में तोड़ा गया था। मिस्टर हिंगोरानी, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नामुमकिन है, 1 मिनट में तो इम्पॉसिबल है। 1 मिनट तो हमारी तिजोरी के लीवर्स की सेटिंग ढूंढने में लग जाएगा। थैंक यू मिस्टर हिंगोरानी, थैंक यू प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, यही साबित करना चाह रहा था मैं कि अधिकारी बैंक का तिजोरी खोला गया था, तोड़ा नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। जाहिर सी बात है कि बैंक के ही किसी कर्मचारी ने वो लॉक कोड सबसे पहले तेजा को दिया और तेजा ने नत्था को
नत्था ने सबको ये आभास दिलाया कि वो तिजोरी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो स्टेथोस्कोप वगैरह सब ढोंग था। उसने लॉक कोड डालकर उस तिजोरी को खोला, लेकिन योर ऑनर, उस तिजोरी को एग्जैक्टली किस तरह से खोला गया ये साबित करने के लिए मैं चाहता हूं कि हम मिस्टर हिंगोरानी को लेकर बैंक जाएं। मिस्टर हिंगोरानी, आपकी कंपनी ये तिजोरियां बनाती है, आपको इसे खोलना तो जरूर आता होगा। बेशक, आइए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक मिनट में खुल सकती है। आफ्टर ऑल लॉकवेल तिजोरी है वर्ल्ड की थर्ड बेस्ट कंपनी। आई होप सो। ये तो खुल गई। वो भी 50 सेकंड में। केडी, तुम्हारा दावा तो गलत निकला। अब इस केस में कुछ बाकी नहीं रहा। स्टेथोस्कोप के सहारे एक मिनट में तो इम्पॉसिबल है। एक बार और कोशिश करते हैं। इस बार एसी चलाकर। राइट मिस्टर गिल? यस केडी साहब। पंद्रह सेकेंड। सेकेंड। फोर्टी फाइव सेकेंड। एक मिनट। एक मिनट पंद्रह सेकेंड। एक मिनट तीस सेकेंड। नामुमकिन केडी साहब, इतने शोर में इस तिजोरी के सॉफ्ट टम्बलर और लीवर्स की आवाज सुनना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं मिस्टर हिंगोरानी। फिर उस दिन उस चोर ने एक मिनट से कम समय में इस तिजोरी को कैसे खोला? बिना सिक्योरिटी कोड के इम्पॉसिबल। केडी साहब, मैं कुछ भी दांव पर लगा सकता हूं, कोई भी इंसान इस तिजोरी को इतने शोर में एक मिनट के अंदर नहीं खोल सकता। सर, एक्सक्यूज मी। इसका तो यह मतलब हुआ केडी कि नत्था को पहले से ही किसी ने इस तिजोरी का सिक्योरिटी कोड दे रखा था। लेकिन सिक्योरिटी कोड तो सिर्फ बैंक मैनेजर काले को पता था। ये तो रोज कोड चेंज करते हैं। उस दिन भी चोरी के सिर्फ एक घंटे पहले कोड चेंज किया था। जज साहब, आज सवेरे नाथा के घर की तलाशी लेते समय मेरे सहायक वरुण को नाथा का मोबाइल फोन मिला और उस पर एक एसएमएस पाया गया जिसमें एक सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ था। वो एसएमएस एक प्राइवेट नंबर से भेजा गया था, लेकिन हमने उस प्राइवेट नंबर को तलाश किया। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं उस नंबर को डायल करूं तो वो फोन इसी कमरे में बचेगा। आप ही ने सिक्योरिटी कोड भेजा था नाथा को। Am I right? हाँ जज साहब, मैंने ही तेजा के साथ मिलकर इस चोरी का प्लान बनाया था, लेकिन
तेजा जानता था कि अगर चाचा इस प्लान में शामिल नहीं होते तो बंसी कभी नहीं आता। चाचा ने इस प्लान में शामिल होने के लिए ना कहा तो तेजा ने बंसी को झूठ कहा कि चाचा भी हमारे साथ इस प्लान में शामिल है और नत्था को चाचा की तरह व्यवहार करने को कहा गया। नहीं नहीं जज साहब, तेजा ने ही चाचा की दुकान से औजार भी चुराया था। और जब आप खंडर गए और वहां आपको पैसे नहीं मिले तो? जब खंडर में पैसे नहीं मिले तो मुझे लगा कि वो पैसे तेजा ने ही चुराए हैं, इसलिए मैंने चाचा के पाने से ही उसको मार डाला। और नत्था को? नत्था? जज साहब, नत्था मुझे ब्लैकमेल करने लग गया था, इसलिए मैंने ही गैराज से गिल की गाड़ी लेकर नत्था को मार डाला। बड़ी दुखद बात है कि चोरी और कत्ल दोनों से आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल हुआ तो बस एक लंबी सजा। द डिफेंस प्रेस योर ऑनर। यह अदालत मिस्टर अरविंद काले को अधिकारी बैंक की डकैती प्लान करने के लिए और तेजस और नाथालाल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और यशवंत लोहार को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. मुबारक हो, मुबारक हो। केडी सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे दादू को छुड़ा दिया और मेरे दो सवालों का जवाब भी दे दिया। पहला तो ये कि जो चीज आपकी नहीं है उसे आपको अपने पास रखने का कोई हक नहीं। ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल? और दूसरा, आप इस कंट्री के बेस्ट लॉयर सचमुच है। आपने मेरे दादू को एक एसी की आवाज से बचा लिया। एसी का तो पता नहीं लेकिन मैं आपका फैन जरूर हो गया हूं। मेरा फैन? जी। That's fantastic. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.